सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, जिसकी की डेफिनेशन डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 61 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आपने उन वीडियोस को देख लिया है। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक यूं तो बहुत ही जनरल है, बहुत ही कॉमन है टैक्स और लॉ पढ़ने वालों के लिए, लेकिन दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जो बातें ज्यादा जनरल होती हैं या कॉमन होती हैं वो ही बातें छूट जाती हैं। तो उसी तरह का आज का हमारा ये डेफिनेशन है, जो कि है नोटिफिकेशन का, जिसको कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। इस डेफिनेशन में भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे ही वर्ड आने वाले हैं जो काफी कॉमन है, जिसको हम लोग अक्सर सुनते हैं लेकिन हो सकता है कि उनका मतलब न जानते हों। तो दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इन वीडियोस के बारे में या इस जीएसटी वीडियो लाइब्रेरी के बारे में और लोगों को पता चले। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। जैसे कि इस डेफिनेशन में जो बातें लिखी होंगी उसको तो अभी हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, यहाँ पे जो भी बातें लिखी होंगी वो इससे मिलती जुलती ही होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो डेफिनेशन, यानी कि जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन, इसका जो मतलब है वो कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि आप समझ रहे हो, वो बातें कुछ उसी से मिलती जुलती होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी और दुनिया से वो बातें वहां पे लाकर लिख दी गई होंगी। तो जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इस नोटिफिकेशन वर्ड को समझने के लिए आज के जमाने के हिसाब से, तो जैसे दोस्तों कि हम सभी फेसबुक यूज करते हैं, और जब हम लोग फेसबुक यूज करते हैं और उस पर हमें कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी के द्वारा आ रही होती है, तो उस केस में क्या होता है कि फेसबुक हमें नोटिफिकेशन भेजता है। अगर आपने देखा हो वहां नोटिफिकेशन का टैब भी होता है, तो फेसबुक हमें नोटिफिकेशन भेजता है और नोटिफाई करता है कि किसी ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। तो बातें यहाँ पे कुछ इसी तरह की होने वाली हैं इस डेफिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, अब इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि नोटिफिकेशन की इस डेफिनेशन में क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है हमारे लिए, और जो कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हैं हर एक डेफिनेशन को उसी तरह से। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस डेफिनेशन को ही पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। तो यहाँ लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 80, नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड द एक्सप्रेशन नोटिफाई एंड नोटिफाइड शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है कि नोटिफिकेशन मतलब जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो, और इसी नोटिफिकेशन के लिए नोटिफाई और नोटिफाइड को भी समझा जाएगा। लेकिन हमें पहले ये जानना होगा कि ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे वर्ड आया नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, तो हमें तो पहले जानना होगा कि ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है। तो दोस्तों, ऑफिशियल गैजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर के फॉर्म में होता है, जो कि वीकली पब्लिश किया जाता है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन पब्लिश करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। और दोस्तों, 2008 से इसे पेपर फॉर्म से डिजिटली फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जो कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं, ये ही इसकी वेबसाइट है, जो कि egazette.nic.in समथिंग है। तो अगर आप चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर जाके इस वेबसाइट के बारे में, जो कि ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत से एक्ट में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इशू करेगी, ठीक वैसे ही यहां भी लिखा है जो नोटिफिकेशन किसी के बारे में ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा उसे ही नोटिफिकेशन कहेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इशू करते हैं, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अपने पावर्स, जो कि उन्हें किसी एक्ट से मिल रही होती है, उसका यूज करते हुए इशू करते हैं। जैसे जीएसटी की ही बात करें तो जीएसटी में पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करें, नोटिफिकेशन इशू करके स्पेसिफाई करें कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज को, जिनको की रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी में डाला जाएगा, यानी कि जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज में ही लाइबिलिटी आएगी, उन गुड्स या सर्विसेज को जिनको की एग्जेम्प्ट करना है, उन सप्लाई ऑफ गुड्स या उन सप्लाई ऑफ सर्विसेज को जिनको की एग्जेम्प्ट करना है, उन गुड्स को जिनको की सर्विस बुलाया जाएगा, उन सर्विसेज को जिनको की गुड्स बुलाया जाएगा, उन गुड्स को जिनको की कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहा जाएगा,
उन सर्विसेज को जिनको कि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही कहा जाएगा, गवर्नमेंट इनके लिए नोटिफिकेशन इशू करके बताए कि इनका नेचर क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो नोटिफिकेशन इशू करे और बताए कि किन गुड्स को हम लोग सर्विस बुलाएंगे, किन सर्विस को हम लोग गुड्स बुलाएंगे, किन गुड्स को एग्जेम्प्ट करना है, किन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करना है। इसी तरह की पावर्स सभी एक्ट्स में उससे रिलेटेड चीजों के लिए दी जाती है। जैसे कोई नोटिफिकेशन जीएसटी के लाया गया, लेकिन जब तक उसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं कर दिया जाता तब तक वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना ही होगा अगर किसी नोटिफिकेशन को वैलिड बनाना है तो। जैसे जिस दिन कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है तो उसी दिन से उसे वैलिड मान लिया जाता है। लेकिन अगर किसी नोटिफिकेशन के लिए कोई स्पेसिफाइड डेट स्पेसिफाई की गई है तो उस नोटिफिकेशन को उस डेट से वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात करें कि नोटिफिकेशन मतलब, इतना कहानी सुनने के बाद क्या हुआ कि नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, तो दोस्तों सिंपली नोटिफिकेशन एक सूचना है जो गवर्नमेंट अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करती है, इसलिए इसे अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी नोटिफिकेशन की डेफिनेशन जो कि थी सेक्शन 2 क्लॉज 80 के हिसाब से, जो कि बताया गया है सीजीएसटी एक्ट में। उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी और मैं आपको यहाँ पे जो बातें लिखी थी वो आपको सही से कन्वे कर पाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस जीएसटी वीडियो लाइब्रेरी के बारे में और लोगों को भी पता चले और ये यूजफुल वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो में। आज के लिए यहां तक, यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।